जय हिंद दोस्तों। 2000 के नोट हुए बंद। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 2000 के नोट अब बाजारों में नहीं चलेंगे। आरबीआई ने यह सूचना निकाली है कि 2000 के जितनी नोटें हैं 30 सितंबर के बाद इनको मान्य नहीं माना जाएगा। आरबीआई ने 30 सितंबर तक वक्त दिया है 2000 के नोटों को या तो बैंकों में जमा करने के या फिर एक्सचेंज करने के। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका एक सीमा भी तय किया गया है, आप एक बार में 20,000 से ज्यादा 2000 के नोटों को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं या फिर अकाउंट में जमा नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता हो 8 नवंबर 2016 की घटना। अचानक से रात को खबर आई थी कि 500,000 के नोट बंद होंगे और उन नोटबंदी के बाद जनता को किस तरीके से परेशानी हुई थी, इन सारे चीजों पे अब इतना बड़ा मुद्दा है तो विपक्ष शांत कैसे रह सकता है। तो विपक्ष है अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है, 2000 के नोट के मामले में ऐसा ही हुआ, लेकिन इसकी सजा देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। और इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कुछ भी बोला जाता है उसे समझ नहीं आता है, भुगतना जनता को पड़ता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि डॉलर का धोखा था एक तो या 2000 का धमाका नहीं बल्कि बिलियन भारतीयों के लिए 1 बिलियन का डॉलर का धोखा है। जागो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा सहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता है, जिसने यह कष्ट दिया है उसे माफ नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, खुद कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि हमेशा की तरह पीएम मोदी का एक और फैसला गलत साबित हुआ, 2000 के नोट का अब चलन में नहीं रहेंगे। याद रहे नोटबंदी के तानाशाही फैसले के बाद नोट को लाया गया था, दावा था कि इससे काला धन खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, सारे दावे पलट गए। अब बिना सोचे समझे लिया गया यह फैसला भी पलट जाएगा। मोदी जी, आपसे गुजारिश है, बचकाने फैसला लेने से बंद कीजिए। आपको बता दें, मेरा नाम हुआ सुनील सिंह, आप देख रहे हैं सच से सच तक। और आपको बता दें कि वाकई में 8 नवंबर 2016 को जो रात में सूचना आई थी कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, आम जनता को बहुत सारी परेशानियां हुई थी। वृद्ध अवस्था में भी लोग लंबी लंबी कतारों में लगते थे, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, हीराबेन, उन्होंने भी कतारों में लग के, उन्हें भी कतार में लगना पड़ा था नोटबंदी के वक्त। लेकिन क्या यह फैसला जायज है? क्या 500 और 1000 के नोट बंद होने के कारण भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या 500 1000 के नोट बंद होने के कारण काला धन वापस हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर 2000 के नोट में काला 2000 के नोट के बंद होने से काला धन वापस हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, ये काला धन छुपा कहाँ है? या फिर 2000 कुछ लोग कमेंट किए हैं मजाकिया अंदाज में और ये कह रहे हैं कि 2000 के नोटों में जो लगे चिप थे उनका वैलिडिटी शायद से समाप्त हो गया है, इसलिए 2000 नोट को बंद किया। बल्कि इस नोटबंदी के पूरे प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जरूर बताइएगा कि क्या 500,000 के नोट बंद होने के कारण काला धन वापस हुआ था, नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ था, या फिर सिर्फ एक जुमला था, या फिर 2000 के नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, 2000 के नोट बंद होने से काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख लोगों के खातों में आएंगे कि नहीं आएंगे।